अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने इस्तखारा या रूहानी इलाज नहीं करवाया तो आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं, आप अपनी बहन से मदद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज का बहुत प्यारा अमल एक बहन ने बताया है। कभी एक साल पहले मैंने उन्हें यह अमल का तरीका समझाया था, आज उन्होंने बोला है कि इसको लाइव कर दें। लाखों की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आमदनी है। 40 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह लाखों पैसा कमा रहे हैं। 40 दिन में रिजक दौलत आपके घर में भी बहुत ज़्यादा होगा। 3 दिन में फ़र्क, 7 दिन में बेहिसाब रिस्क, सिर्फ 11 दिन में आपका कारोबार चलेगा। पर कारोबार शुरू करने से पहले ये वाला अमल करें। कारोबार शुरू हुआ हुआ है, कारोबार में बरकत नहीं है, रिजक नहीं आ रहा, या आपको परेशानी है, आए दिन नुकसानात हैं, तो एक ख़ास तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले ये नक्श आपने बनाना है। एक गिलास पानी लेना है, ये नक्श उस एक गिलास पानी में डाल देना है। सूर्य कौसर को एक बार पढ़ना है। क्या आपको नज़र तो नहीं लगी, क्या आपके कारोबार को काली नज़र तो नहीं लगी, या आपके कारोबार को किसी ने जादू तो नहीं किया, या आपके कारोबार को कोई मसला तो नहीं है, या आपके कारोबार को किसी ने बंदिश लगा के तो नहीं रोका। आपके कारोबार में ऐसा क्या मसला है? अच्छा भला कारोबार माशाल्लाह चल रहा था, ये इस बहन के साथ हुआ था। अच्छा भला यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुकानें इनकी दुबई में थी और 5 दुकानें ही गाड़ियों की थी। जो भी इनका काम था 5 दुकानों में गाड़ी का काम था। इतना नुकसान हुआ, सिर्फ क्या था, काली नज़र लगी। इनकी दुकानें पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5वीं के ऊपर बस, जब ये हमसे रब्ता कर रहे थे ना, इनकी आखिरी दुकान 5वीं दुकान बस रह गई थी। और वो भी उस दुकान का जो कफील बहुत तंग करता था। ये दुकान जब हमारे पास आए तो इनकी बेटे और बेटियां बहुत परेशान थी, शादियों की वजह से भी बहुत परेशान थी ये। तो यकीन माने इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी बच्चियों की शादी कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकें, इतने गरीब हो चुके हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये यूके बैठे हैं और इनका रिस्क और तरीका आप समझें, जो इनका रिस्क हासिल करने के लिए जो इन्होंने अमल किया। सूरह रहमान को सिर्फ सुनना है। जब सूरह रहमान को आप सुन रहे होंगे, सर पर हाथ रख कर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दिल में पढ़ना है। समझें आप अपने रब को पुकारें। सूरह रहमान ऊंची आवाज में लगा दें, सुननी है, और या अल्लाह पुकारना है दिल में हल्की सी आवाज में। सूरह कौसर का ये उजाला, ये मतलब कि जो मैंने आपको तरीका बताया ना, पानी और पानी में नक्श रखकर सूरह कौसर पढ़कर, तो ये आपने पीना है। इसका तरीका मैं बाद में आपको समझाती हूँ, पहले सूरह कौसर का ये चीज कंप्लीट कर लें। दिन जुमातुल मुबारक का दुरूद पाक एक बार, जब सूरह रहमान आप सुनेंगे ना, सॉरी, तो सूरह रहमान को जब आप सुनेंगे ना, तो फिर आपने एक बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक बार सूरह रहमान को जरूर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद या अल्लाह सर के ऊपर ना ऐसे हाथ रख के ना, सर के ऊपर ऐसे दबा के, तो सूरह रहमान जोन सी है ना सुननी है, या अल्लाह पढ़ते रहना दिल में। आपकी दुआएं कबूल, या अल्लाह जितनी दफा कहेंगे उतनी मुश्किलें आसान, उतनी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। अब ये सारा अमल आपने जुम्मतुल मुबारक को नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद करना है। एक दफा ये अमल करना है, हफ्ते में एक दफा ये अमल करना है, और फिर देखिएगा आपका रिस्क कितना बुलंद होता। कभी तंगी नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी,
बहुत माशाल्लाह लोगों का आजमाया हुआ ये अमल है। अब ये नक्श और पानी का क्या करना है? नक्श और पानी जब आप या अल्लाह सूरह रहमान का अमल कर लें जुमे की नमाज के बाद, रात को सोने से पहले नमाज इशा पढ़ें और खामोशी से किसी से बात किए बगैर सूरह कौसर वाला पानी, नक्श वाला पानी आप पी लें। आप जब पियेंगे ना, अगर पानी का जायका कड़वा हुआ, अगर पानी का जायका कड़वा हुआ, कोड़ा हुआ, कड़वा हुआ, मीठा ना हुआ, बकबका हुआ, अगर कड़वा हुआ काला जादू है, सफलीलम है। अगर पानी का जायका बकबका हुआ यानी फीका फीका सा लगा, दिल ना किया पीने को, समझे काली नजर लगी है, नजरे बद लगी है। अगर आपको पानी का कोई जायका महसूस नहीं होता, ना वो फीका है ना कड़वा है ना बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो फिर आपकी रोजी रिस्क जोन सा है ना आपकी वजह से बंद है, ये भी बात याद रखिएगा। अब अगर आपको पानी का जायका मीठा लगता है, मीठा लगता है, हल्का सा मीठा लगता है कि आप, तो फिर आपके रिश्तेदारों ने जो आपके आसपास है ना, उन लोगों ने जादू किया है, उन लोगों ने आप पर बंदिश लगाई है, हसद और जलन में आपकी बंदिश लगी हुई है। ये सब चीजें जब आप करें, अमल करें, एक दफा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका हिसार भी कर दूंगी। जब आप मुझे अमल करके बताएंगे ना, तो अगर कहेंगे तो मैं आपका इस्तखारा भी कर दूंगी। और अगर कारोबारी मसला इतना मजीद खराब हो चुका हुआ है, तो आप जब ये पानी वाला दम वाला मसला हल करेंगे ना, तो एक दफा अपनी बहन से भी राब्ता कर लीजिएगा, ताकि आप जब आपको जब पानी की फीलिंग्स हो तो मैं आपको बता सकूं कि आपके साथ क्या मसला चल रहा है। ठीक है प्यारे बहन भाइयों, ये बहनें भी कर सकती हैं अपने घरों में, और माएं भी कर सकती हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, वालिद साहब सभी जो उनसे हैं वो भी कर सकते हैं। जिन घरों में परेशानी है वो ये करें, जिन घरों में बेटियों बैठी हुई हैं, बेटियों की शादी नहीं है, ये अमल करें। हो सकता है बच्ची की बंदिश लगाई हो सकता है जादू सफलीलम के जरिए आपके घर का हिसार किया हो, बहुत चीजें आ जाती हैं, तो ये अमल आपने जरूर करना है। मेरी अगर अमलियात आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे और अमल जो उनसे हैं आपको बताती रहूं, जो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं, जो मैं लोगों को दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत से लोग माशाल्लाह फैजयाब हुए, माशाल्लाह बहुत से लोग मदरसे में जब आते हैं तो मदद उनकी होती है और आपकी भी जरूर होगी इंशाल्लाह। एक दफा लबैक जरूर कहें, ठीक है। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।